हाँ सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमने इसके जरिए ए बी सी डी निकालते हैं। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो इक्वल हों तो, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों तो पहले वो पहले के साथ दूसरे को दूसरे साथ किसी को दूसरे साथ बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि ए प्लस सी इक्वल इक्वेशन 1, इसी तरह ए प्लस 3b इक्वेशन, ए प्लस 3b इक्वल 0 इक्वेशन 1 इक्वल माइनस 1 इक्वेशन 2, सी माइनस 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 हो गई, सी माइनस 1 इक्वल 3 इक्वेशन 3 हो गई। और आखिर हो जाएगी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 लेते हैं, क्या थी सी माइनस 1 इक्वल 3, तो सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1, सी इज इक्वल टू 4। हमारी सी क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई 4। अभी हम पुट करते हैं इक्वेशन 1, वन इक्वेशन क्या थी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस 4 इक्वल टू 0, ए हमारा आ गया जी माइनस 4। हमने ए भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब हम पुट इक्वेशन ए वाली पुट इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हम इधर पुट किया है जी सी इज इक्वल टू 4, और पुट क्वेश्चन 2 क्या है जी ए प्लस 3b इक्वल माइनस 7, तो ए वाला क्या था माइनस 4 प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 7, ए हमने इधर पुट किया है माइनस 4। अच्छा ए 4 गया तो ये 3b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, 3b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3, तो बी हमारा क्या आ गया माइनस 1। जब 3 से डिवाइड होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, हमारा बी भी निकल गया, पीछे रह गया डी। अब हमने डी निकाला है, डी निकालना वो डी है इक्वेशन 4, डी निकाला है हमने, हमारा क्या रह गया है डी। हमारा इक्वेशन डी रह गई, डी हमारी इक्वेशन क्या थी डी में डाल दिया मैंने 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, ये हमारी इक्वेशन 4 थी, हमने ये निकाला इक्वेशन 4, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, 6 उधर ले जाओ डी 2d इधर लेके माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2d इक्वल टू 6, तो डी हमारा क्या आ गया 3, ये हमारा आंसर है। हमने ए निकाला है माइनस 4, बी निकाला है माइनस 1, सी निकाला है 4 और डी निकाला है 3, ये हमारे आंसर है। शुक्रिया।